नमस्कार, जय माता की। प्रिय बंधुओं, मैं आपको आज एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके करने से मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा चार प्रकार के फलों को प्राप्त करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तथा जो भी इस व्रत को करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप जो हैं वो कट जाते हैं। ये व्रत जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। शास्त्रानुकूल इस व्रत को देवशयनी, हरिशयनी तथा पद्मा के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। ये जो व्रत है इस वर्ष जुलाई मास की पहली तिथि अर्थात 1 जुलाई को आ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब सूर्य तुला राशि पर आता है तब भगवान सो करके उठते हैं। इसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो चातुर्मास में जो भी साधक व्रत रखता है वो व्रत जो है एकादशी वाले दिन, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा श्रावण संक्रांति के दिन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। साधक को जो भी व्रत रखे शास्त्रानुकूल भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान की मूर्ति को पीतांबर धारण करवाकर उसे सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए और भगवान विष्णु से अपने व्रत की संपूर्णता के लिए निर्विघ्नता पूर्वक व्रत जो है वो पूर्ण हो, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी इस व्रत को रखे वो 4 महीने के लिए एक वस्तु जो उसकी प्रिय हो खाने वाली उसे उसका त्याग करे और उसके पश्चात साधक जो है, जितने सन्यासी लोग जो हैं वो एक ही स्थान पर रह करके इस व्रत को 4 महीने के लिए करते हैं और यात्रा नहीं करते। यात्रा जो है वो ब्रज के लिए वहां कर सकते हैं। ब्रज की यात्रा जो है शास्त्रों में कही गई है। तो इस एकादशी का जो व्रत है वो शास्त्रों में बड़ा महत्व इसका बताया गया है। जो भी इन 4 महीनों में इन नियमों का पालन करता है उसे एकादशी की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि इन 4 महीनों में साधक जो है ओम नमो नारायण का जाप करे। इस जाप के करने से उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि गंगा के बराबर कोई तप नहीं है और भगवान विष्णु के बराबर कोई देवता नहीं है और एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। मेरी सभी बंधुओं से, भक्तों से प्रार्थना है कि ये जो विष्णु शयनी एकादशी आ रही है इसका सभी व्रत रखें और शास्त्रानुकूल कही हुई विधि के अनुसार अनुसरण करें। इस व्रत के करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा। मां भगवती चिंतपूर्णी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता की।